बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम की गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आयोजन महानगर में जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा धीरज कुमार के नेतृत्व में किया गया। जिला संयोजक ने कहा कि बहुजन समाज के संवैधानिक हक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में संविधान के दायरे में रहकर चल रही परिवर्तन यात्रा को गुजरात राज्य अहमदाबाद में 22 अक्टूबर को जबरिया रोका गया। प्रशासन द्वारा कर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया जिससे सैकड़ों कार्यकर्ता को गंभीर चोटें आई हैं। अगर राष्ट्रीय संयोजक की रिहाई नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और उग्र होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए धीरज कुमार ने कहा, अत्याचार करते हैं तो लोगों को खुद मारता है। टोपी तो गिर गई लेकिन दाढ़ी कैसे गिर गई? ही रहेगा हमारे प्रतिकर्ता ने किसी जनरल के नेता ने देंगे। जी सर, हमारा ये बहुजन क्रांति मोर्चा जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक संगठन है जो गरीबों मजलूमों एवं SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज का संगठन है और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो सामाजिक समस्याओं को उठाता रहता है, सामाजिक समस्याओं पर लड़ाई लड़ता रहता है। इसके हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब हैं और इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में परिवर्तन यात्रा की रैली चलाई जा रही है, परिवर्तन यात्रा की रैली निकाली जा रही है पूरे देश के सभी जिलों में। इसी के क्रम में हमने अभी 6 अक्टूबर को गोरखपुर में भी रैली निकाला था। काफ़ी हमारा जो भी आंदोलन होता है काफ़ी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक को जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है और जब तक उनको जेल से रिहा नहीं किया जाता, हम मात्र गोरखपुर ही नहीं पूरे देश के 550 जिलों में एक साथ ही आंदोलन कर रहे हैं, जो कि जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।